कट डाउन के साथ आपके बाल तबाहो बर्बाद हो जाते हैं। और मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप कभी भी अपने बालों पर कट डाउन मत करना। अगर तो आपको अपने बालों के साथ प्यार है तो आप कभी भी कट डाउन नहीं यूज़ करना। मैं आपको आज बताऊंगी कि कट डाउन किए बगैर आप अपने बालों को प्यारा सा गोल्डन कलर का कैसे डाई कर सकते हो, या जिस भी कलर का आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आप भी 4 कलर देख ले कि मेरे बाल बिल्कुल ब्लैक हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे बाल जड़ों से फुल ब्लैक निकले हुए हैं। अब मैं इन पर कट डाउन यूज़ किए बगैर इनको गोल्डन यूज़ करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे बालों का कलर बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डिश एश ग्रीन सा हो गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिया है ईजी हेयर कलर। ईजी हेयर कलर बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जब भी मार्केट में जाते हैं और आप कहते हैं कि हमें कट डाउन के बगैर कलर करना है, तो सबसे पहले शॉपकीपर आपको यही रिकमेंड कर दें। अच्छा, जब आपने कट डाउन के बगैर हेयर कलर करना है तो कैसे करना है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि आपने 40 डेवलपर लेना है। अगर आप आम कट डाउन करके करते हैं तो आप 10 या 20 वॉल्यूम यूज़ करते हैं, लेकिन जब आपने कट डाउन किए बगैर कलर करना है तो यहाँ पर मैंने 9.0 वेरी लाइट ब्लॉन्ड लिया है। मैं आपको शेड कार्ड दिखाती हूँ और समझाती हूँ कि आपने किस तरह कलर चूज़ करना है। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे इस तरह का कलर चाहिए था जो कि 9.3 पर है, लेकिन मैंने ये वाला कलर नहीं चूज़ किया। मैंने इससे 2 टोन जो लाइटर कलर था वो चूज़ किया जो कि 9.0 है। तो जब आप ब्लैक बालों पर कलर करते हैं तो वो खुद ही 2 टोन डार्कर हो जाता है, यानी कि मैंने 9.0 लिया और मुझे 9.3 जैसा कलर मिलेगा। यानी कि अगर आपने कोई भी कलर चूज़ करना हो तो आपने उससे 2 टोन लाइटर लेना है और आपने 40 वॉल्यूम लेना है। 40 वॉल्यूम जो होता है वो आपके बालों को ठीक से कलर कर देता है ब्लैक हेयर्स पर। तो यहाँ पर मैंने इजी कलर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त ये कलर है, उसकी रेंज भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अफोर्डेबल भी है। तो यहाँ पर मैंने ये यूज़ किया हुआ है। मैं अभी आपको आफ्टर का रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। इन्होंने इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। इसके कलर्स और भी हैं शेड, जो कि मैं ऊपर अटैच कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के साथ चूज़ कर सकते हैं। जब आप कट डाउन के बगैर चूज़ कर रहे होंगे तो आपने सिर्फ ये माइंड में रखना है, एक तो आपने 40 डेवलपर लेना है, और दूसरा आपने जो भी कलर लेना है, मतलब जो भी आप चाहते हैं कि जिस तरह का कलर आपके बालों के ऊपर आए, आपने उससे लाइटर टोन लेना है। अगर आप वाइट कलर लोगे तो वो आपके बालों के ऊपर स्किन या गोल्डन टाइप का आएगा। आपने ये घबराना नहीं है कि शायद आपके बाल इसी तरह के हो जाएंगे। नहीं, ब्लैक बालों पर एग्जैक्ट कलर नहीं आता, बल्कि एक दो टोन डार्कर हो जाता है। तो आपने यही वाली टिप मेरी यूज़ करनी है। आपने कभी भी अपने बालों को कट डाउन नहीं करना, और आपने अपने रिव्यू मेरे साथ शेयर करने हैं। आप भी अगर एग्जैक्ट यही वाला कलर चाहते हैं तो आप ये वाला सेम 9.0 भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन एश ब्लॉन्ड सा कलर आता है, जो कि आपके बालों में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिफोर आफ्टर कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। ये ब्लैक बालों के ऊपर विदाउट एनी कट डाउन किया गया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट से। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।